नमस्कार दोस्तों, चलिए आज चलते हैं ब्रदर का 7535 DW का टोनर और 7500 का टोनर सेम ही होता था, तो इसकी रिपेयरिंग करना सीखते हैं, जिसमें कि पेज आपका काला आता है, लाइन आती है, स्याही प्रॉपर नहीं आती है। तो इस तरह से आज हम किस तरह से इसको रिपेयर करेंगे देखते हैं। इसका ब्लेड साफ़ करना होता है और ड्रम साफ़ करना होता है। अभी हम लोग यहाँ पर ड्रम खोलने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा जो बीच का हिस्सा होता है जिसमें इंक आपकी स्टोर होती है, जिसमें ब्लेड लगाया है, देखिए ये काला काला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी बेस्ट इंक है काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है ब्लेड पे, तो अपना प्रिंट जो है सही नहीं आता है, साफ नहीं आता है। तो इसके लिए हमें पहले तो ये बीच वाला हिस्सा खोलना है, जैसा कि वीडियो में आपने देखा है किस तरह से खोलते हैं। अब ब्लेड को खोलने के बाद इस ब्लेड को अपने एक कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से, और इस जो बीच का ऐसा इसमें स्टोर होती है इंक, इस पार्ट की इंक जो है सारी हम लोग निकाल देंगे। अब ये आपका जो ब्लेड है चिपका हुआ होता है फॉर्म से, तो इसको आहिस्ता से निकालिए फॉर्म को, बिना किसी नुकसान के, फॉर्म का नुकसान ना हो, क्योंकि फॉर्म अगर फट जाएगा तो दिक्कत होगी। अब देखो हमारा जो ब्लेड निकल आया है, इसको हम साफ़ कर रहे हैं, कॉटन से साफ़ कर दीजिए अच्छी तरह से, और ध्यान रखिए ब्लेड जो आपका है मुड़ने ना पाए, बैंड ना होने पाए। बैंड अगर हो जाता है ब्लेड तो आपका फिर टूनर सही से काम नहीं करेगा, इससे इंक बाहर निकलने लगेगी। तो आहिस्ता से इसको साफ़ करिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। ध्यान रखिए ब्लेड ख़राब ना हो, टेढ़ा ना हो, अगर बैंड हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हमारा ब्लेड एकदम साफ़ है, चमक रहा है, अभी इसको हम साफ़ कर लेंगे। अब इसमें से बेस्टिंग जो है हम लोग वो भी निकाल के इसको फेंक देंगे। बेस्टिंग की इसके अंदर जो इकट्ठी होती रहती है उससे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और आपको ध्यान रखिए नई इंक भरनी है इसमें, इसकी सारी इंक निकाल देनी है। इसमें इस तरह से ये लग जाता है, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे लगाने के बाद। देखिए इसकी इंक मैं भूल गया था निकालना, जो कि मैंने बताया था इसकी बेस्टिंग निकालनी होती है, तो इसके लिए मैंने दोबारा से ब्लेड को हटा के इसकी इंक निकाली है, इंक निकाल दी है। अभी हमारा बिल्कुल अंदर का हिस्सा साफ हो गया है, अब इस पर ब्लेड हम लगाने के लिए तैयार हैं। इस तरह से हमारा जो टोनर है, ड्रम यूनिट है, तो ये सारे चीज़ें अच्छी तरह से काम करने लगेंगी, और हमें नया ड्रम यूनिट वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग क्या होते हैं, रिफिल करते रहते हैं लगातार और इसको साफ़ नहीं करते हैं ब्लेड को अंदर से, इसकी इंक नहीं वेस्ट निकालते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है, फिर वो नया ड्रम यूनिट वगैरह उन्हें परचेज करनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दें, हर बार रिफिल करते समय साफ़ करें और ड्रम यूनिट की भी सफाई कर दें। अगर आपके पास ब्लोअर है तो ड्रम यूनिट को ब्लोअर से भी साफ कर सकते हैं, नहीं तो ब्रश से साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग अब ड्रम यूनिट को साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से इसका जो कोरोना वायर होता है, जो ग्रीन टैप के नीचे रहता है, उसको अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। एक जाली भी लगी रहती है कोरोना वायर के नीचे, उस जाली को भी ब्रश से अच्छी तरह साफ़ कर देंगे, जिससे कि हमारी जो बेस्टिंग इसके अंदर स्टोर हो गई थी वो सब निकल जाए, और कोरोना वायर भी साफ़ कर देंगे उसके। इस तरह से कोरोना वायर आप साफ़ कर सकते हैं मूवमेंट रैप टू रैप करके, ये टैब होता है, इसको टैब को इसीलिए बनाया गया कि आपके ये कोरोना वायर है ये साफ हो जाए। तो इस तरह से हमारा ड्रम यूनिट पूरा क्लीन हो जाता है, आहिस्ता साफ कर लीजिएगा
और अच्छी क्वालिटी का पेंट निकलेगा इसमें, जिससे कि आपको नया ड्रम यूनिट वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिफिल करते समय आपको इसका ड्रम यूनिट का बीच का हिस्सा है इसको खोल के प्लेट को साफ करके लगाना है, उसके बाद रिफिल करना है। अगर आप बार बार रिफिल करते रहोगे तो बेस्ट इंक इकट्ठी होती रहेगी, जिससे कि पेंट काला आएगा, साफ नहीं आएगा, इंक भी आपकी बाहर निकलने लगेगी। तो इसका ध्यान रखिए बिल्कुल अच्छी तरह साफ हो जाए। अब हमारा ये तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नया सा लग रहा है। अभी जब ये आया था तब बहुत ही काला था, इसको एकदम नया सा कर दिया है, ब्लेड वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दिया है, हाथ भी हमारे देखो काले हो गए हैं। और एक चीज़ ध्यान रहे, हाथों में ग्लव्स अगर आपके पास हों तो तुरंत पहन लें, क्योंकि इससे हाथ जो है फटने लगते हैं इंक से। अभी हमारे पास नहीं थे तो हमें जल्दी में ये वीडियो बनाना था, लगा लिए। लेकिन अगली बार आप कभी अगर रिफिलिंग करते हैं तो ग्लव्स का ध्यान रखिए और मास्क भी लगा लीजिए, क्योंकि ये इंक जो है